हे विवियंस, कैसे हैं आप सब? तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो वो आज आ रही है, जो कि हमारी पिछली वीडियो एक साल पहले आई थी, 2020 में आई थी। देखो कितना लंबा गैप हो गया। तो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ कि सबका नया साल अच्छा जाए। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11th के ह्यूमन डाइजेशन के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, और ये वीडियो आपके सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, हमने देखिए लास्ट टाइम माउथ पार्ट की बात, हमने इसमें बेसिकली टंग की बात की थी, टीथ की, जो भी आपको डेंटल फॉर्मूला बता रखे हैं वो सब बात कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे माउथ के बाद क्या क्या आया करता है। देखो भैया, ऐसा होता है, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो मेरी सुंदर सी हस्तकला देखना, ये और ये इस तरह से ऐसे हुआ करता है। इतना पतला नहीं, थोड़ा सा खाते पीते करके है इतना। अब यहाँ पर क्या है कि आप देखते हैं, मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से दिखाऊं तो ऐसे हुआ करता है, ऐसे। ठीक, ये जो आपकी जो कैविटी है, ये जो आपके माउथ में कैविटी होती है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो बकल कैविटी। सारे इंसान बक बक इसलिए करता है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, बकल कैविटी और ओरल कैविटी। अगर आपको सिंपल समझाऊं तो जब कभी कुल्ला करते हो तो जो पानी मुंह में ज्यादा भरा होता है ना, पूरा ये ओरल कैविटी होता है, कुछ और नहीं होता ये। अच्छा, ये ऊपर है, इसको बोलते हैं नीजल कैविटी। ये नाक की जो है ना, नाक के अंदर जो जगह होती है खाली अंदर, इसको बोलते हैं क्या, नीजल कैविटी। ठीक, अब ये देखना, नीजल कैविटी और बकल कैविटी, जिस एरिया पे दोनों कंबाइन होती हैं उस एरिया को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये वो कॉमन सा एरिया है जहाँ पर एयर और फूड दोनों मिक्स होते हैं, मतलब एक कॉमन सा जंक्शन है। दिस कॉमन जंक्शन इज नोन एज फेरिंग्स। ठीक है, हम यहाँ फेरिंग्स के टाइप की बात नहीं करेंगे, बस इतना समझेंगे फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स वो कॉमन सा एरिया जहाँ से फूड भी पास होता है और आपका एयर भी पास होता है। ठीक, तो फेरिंग्स के बाद फिर आपका आता है क्या, ईसोफेगस। तो ये वाली चीज़ क्या है, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस आपका, जिसको आप बोलते हो ना फूड पाइप, आप बोलते हो इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं आप क्या बोलते होगे, लेकिन तो इसका काम सुनो क्या है, ये जो ईसोफेगस है। ठीक है, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ अभी, मतलब डायग्राम सही नहीं है अभी वाला डायग्राम, तो क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूँ? गलत नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, अभी मैं आपको डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ डाइजेशन के पर्सपेक्टिव में लेके डायग्राम बना रहा हूँ। जब हम बात करें चैप्टर 17 में रेस्पिरेशन, तब बताऊंगा कि कहाँ पर जो है ना, मैं कोई चीज़ जो मैं अभी नहीं बना रहा, और मुझे अगर मैंने बना दिया भी वो, तो शायद जो टॉपिक आपको समझ में आना होगा वो भी नहीं आएगा। तो चैप्टर 17 में बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या जो आपको मिस्टेक्स जो है ना, मिस्टेक नहीं बोलोगे, मैं कुछ चीज़ यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बनाओगे आपके स्कूल में नंबर नहीं काटेंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बट जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जनरल नॉलेज की चीज़ बड़ी है। अब देखिए, ये होगा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है ऐसे एक स्टमक। क्या आता है? स्टमक। ठीक, तो ईसोफेगस फिर क्या आता है? स्टमक। मैंने आपने खाना खाया, खाना कहाँ गया आपके? बगल कैविटी में। बगल कैविटी से कहाँ आया? आया आपके कहाँ? स्टमक में। अच्छा, आपको पता है आपके माउथ में ही, आपके माउथ में ही यहाँ आपके माउथ में 3 pairs ऑफ ग्लैंड पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। तो एक काम बता करते हैं, पहले ज़रा सलाइवरी ग्लैंड की कहानी देख लेते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ वाले रीजन में पाए जाते हैं, जिसके 3 types होते हैं। एक होता है पैराटॉइड ग्लैंड, ठीक है, एक होता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, और एक होता है सब लिंगुअल। देखो तुम समझदार तो भाई, मैंने क्या बोला था, मैंने लास्ट दिन की बात बोली थी कि लिंगुअल मींस क्या होता है, सोच के बताओ जरा। जब तक जरा मैं ये इंक विंक का कारोबार पूरा कर लूं। हाँ जी बताओ, ये सब लिंगुअल क्या होता है? मैं बता, लिंगुअल मींस होता है तुम्हारा टंग। तो वो वाली जो है ना, ये जो जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये आपके टंग के जस्ट नीचे होती है। कभी ऐसा हुआ है कि तो आपने जीभ थोड़ी सी ऊपर करी, एकदम से एक फवारा टाइप निकला हो अंदर से, वो है ना, आप वो कुछ नहीं, वो सब लिंगुअल की सिक्रीशन होती है। आपके टंग के नीचे जो जस्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड, विच इज़ अ टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। फिर एक आता है पैराटॉइड ग्लैंड। पैराटॉइड ग्लैंड आपके चीक्स में मिलते हैं, आपके गालों पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? चीक्स पे मिलते हैं। कौन? पैराटॉइड ग्लैंड। और इनकी बात करेंगे तो ये आपको मिलते हैं मैंडिबल्स में। मुझे बताता हूँ मैं, पहले जरा ये इंक भर लूँ।
हाँ जी, तो सब लिंगुअल टंग के नीचे, पैट्रोइड चीक्स में और सब मैंडिबुलर मैक्सिलरी, ये आपके कनपट्टी रीजन पे मिलते हैं, माने आपके कान के नीचे मिलते हैं। सो ये तीन टाइप के आपके हो गए ग्लैंड्स, ठीक है। कौन कौन से? एक कान के नीचे, मतलब यहाँ जा, कहते हैं ना कान के नीचे दूंगा, तो मतलब वो आपके सब मैक्सिलरी पे मारने की बात कर रहा है। पैट्रोइड यहाँ पर होगा, लिंगुअल यहाँ पर नीचे, टंग के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। सो ये तीनों टाइप को मिलाकर हम बोलते हैं कि हाँ ये सलाइवी ग्लैंड है, और इनका जो सिक्रीशन होता है उस सिक्रीशन को आप क्या बोलते हैं? सलाइवा। सुना लार, लार बोलते हैं हिंदी में, लार तो लार टपक रही है, लार टपक रही है, लार कुछ और नहीं, सलाइवा को बोलते हैं, ठीक। तो भाई मेरा काम हो चुका है पूरा, अब यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ा मुश्किल काम है ना ये भी। अच्छा, तो जो हम बात कर रहे हैं सलाइवा की, जो कौन रिलीज करते हैं, ये तीनों का सिक्रीशन मिलाकर क्या कहलाता है? सलाइवा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका हुआ, ना ना भाई, तीनों करेंगे सिक्रीट, तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? सलाइवा, जिसको बोलते हैं हिंदी में लार। इस सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें आयंस होते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं? इसमें एंजाइम लाइसोजाइम होते हैं। इसमें तुम्हारा, मैं एक मिनट, मैं जरा कलर पेन ले लूँ। एंजाइम कौन सा हो गया? लाइसोजाइम हो गया। आयंस हो गया तुम्हारा, लाइक Cl- आयन हो गया, ठीक है, HCO3- आयन हो गए। तो ये सब आयन जो है ना इसके अंदर पाए जाते हैं, K+ आयन हो गए। सो ये सब आयन इसके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही मिलता है लाइसोजाइम एंजाइम, इट इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। दिस एंजाइम डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, माने इसका काम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, बैक्टीरिया को मारना है, माने आपको बचाता है बैक्टीरिया। अगर इनके साथ में खाना खाया, इनके से खाते भी आ रहे, उसमें मान लो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया को मारता कौन है? आपके माउथ के अंदर जो ये लार निकलता है ना, यही लार आपके उस फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारता है। कभी ऐसा हुआ है जैसे मान लो कि कट लग जाए, जब चोट लगता, हम बचपन थे ना, ऐसे लिया, थूक लिया, लगा लिया, ये काम करते थे। आपको पता है इसका भी बेनिफिट है। आप ऐसा नहीं है कि अब ये सोच में बता दें कहीं सबके सब कहीं भी जाएं, कोई चोट लग गया, ले भाई आजा मैं लगाता हूँ, तो ऐसा भी काम नहीं करना है। बता रहा हूँ जनरली जो कुछ बच्चे करते थे, ठीक है, जो बचपन में थे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि आप जैसे कहीं पे कट लगा है, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। तो आप जो सलाइवा उस पर लगाते हो ना, एक्चुअल में आप वहाँ पर प्रेजेंट बैक्टीरिया के ऊपर आप क्या कर रहे हो? लाइसोजाइम छोड़ रहे हो, और लाइसोजाइम उस सारे एरिया के बैक्टीरिया को मारेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो आपका घाव है उस पर बैक्टीरिया ग्रोथ हो नहीं पाती है। तो ऐसा नहीं है, मैं कुछ आइडिया नहीं दे रहा हूँ लोगों, कहीं सोच के फिर कुछ भी हो जाए, उसके बाद लिया थूक लगा दिया, नहीं, वेरी बैड। सो ये है सलाइवा के अंदर, ठीक है। सलाइवा का पीएच बोलूँ तकरीबन 6.8 के आसपास की पीएच, माने आपका जो माउथ है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल है, मैं कह सकते कि हाँ स्लाइटली एसिडिक, बहुत स्लाइटली एसिडिक है। तो आपके माउथ में क्या है? सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से? पैट्रोइड, सबलिंगुअल्स या सम और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। कनपट्टी पे कौन? सब मैंडिबुलर। गाल पे पैट्रोइड, और इसके नीचे कहाँ? सबलिंगुअल, ठीक है। तो अगर आपको याद करना हो तो खैर क्या बताऊँ मैं, वैसे पैट्रोइड क्या होता है? पी से पैट्रोइड, पी से पुच्ची, लोग गाल, बच्चों गाल में पुच्ची करते ना गाल पे, तो गाल पे क्या होगा? पैट्रोइड ग्लैंड होगा। और लिंगुअल मीन्स बता दिया मैंने, वही टंग वाला हिसाब। मैंडिबुलर, मैंडिबल्स और मैक्सिला की बोन्स की बात कर रहे हैं, तो समझ जाना। तो ये सलाइवरी ग्लैंड था, तो मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ, इसमें नॉलेज है अपने को। तो मैं काम करता हूँ, मैं ना अच्छा डायग्राम पे देख लिया, हम ईसोफेगस से फिर मतलब हम ईसोफेगस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्टमक। तो देखो ऐसा होता है, बचपन में ना आप एक कहानी सुनते होगे कि बेटा अगर तूने बाबा रामदेव वाला आसन कर लिया ना, माने उल्टा हो गया सर नीचे पैर ऊपर, तो तेरा जो जितना भी जो तेरा खाया पिया है सारा बाहर आ जाएगा मुँह के थ्रू। सुना ऐसा आपने कि अगर तू उल्टा हो गया तो तुमने जितना खाया सारा मुँह के थ्रू बाहर आ जाएगा? ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कि यार ये क्या बात है, उल्टे हो जाएगा तो खाना का सारा बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सोचो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा होता है जैसे मान लीजिए ये ईसोफेगस है और ये स्टमक है। अब ईसोफेगस है, अब जो भी खाना खाते हैं ना खाना, वो खाना आपके माउथ से आपके ईसोफेगस से उतरता है ना ईसोफेगस में, तो वहाँ पर एक बॉल की आकार ले लेता है, वो बॉल का आकार। जब भी माउथ से फूड आपके आपके ईसोफेगस में आता है तो वो जो फूड है वो एक बॉल का आकार ले लेता है। इसको आप बोलते हो बॉलस। क्या बोलते हो? बॉलस बोलते हो। बॉलस क्या होता है? बॉलस वो फूड है जो एक बल्ब के एक स्फेरिकल रूप में, जो कि आपके माउथ से कहाँ आएगा? आपके ईसोफेगस में आ गया, एंटर कर गया। अब सवाल है कैसे आता है? देखिए जी, जब इसमें एंटर करता है तो यहाँ पर एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टैलिसिस। पेरिस्टैलिसिस भाई स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग में हाथ टाइट रहते हैं मेरे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर टाइट हाथ है तो है, ठीक है, क्योंकि मैं इतना ध्यान देता हूँ इन चीज़ों पे। तो पेरिस्टैलिसिस क्या एक तरह की रेगुलर मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन है, जो कि कहाँ होती है? आपके ईसोफेगस के अंदर, और इससे फूड कहाँ आता है? नीचे आता है। ये तो हुई रटी रटाई लाइनें जो बुक्स में होती हैं, अब जरा समझाता हूँ अपने तरीके से।
मान लो कि आपने ना एक क्या कर लिया, आपने अपने 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 जैसे कभी पजामे में नाड़ा डाला है पजामे में, तो या आप वो छोड़ो और सिंपल होता तो मैं, मान लो आपने एक बलून ले लिया इस तरह से, बलून ले लिया आपने इस तरह से, और आप मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी बॉल डाल दी। अब मैंने कहा कि इस बॉल को यहाँ तक लेके जाना है, पता क्या करोगे आप, पीछे से ऐसे लोगे इसको, ऐसे पीछे से प्रेस करो, जैसे ही पीछे से प्रेस करोगे बॉल हल्की सी आगे जाएगी, जैसे ही आप इस बॉल को ऐसे प्रेस करोगे तो बॉल आगे जाएगी ना, मान लो बॉल यहाँ आ गई, जब यहाँ आ गई तो आप यहाँ कॉन्ट्रेक्शन करोगे, मानिए इसको ऐसे दबाओगे, फिर बॉल ऐसे, फिर ऐसे, इसका मतलब जो बॉल है उसके जस्ट पीछे वाला पोर्शन आप प्रेस करोगे, सेम वही है बॉलर्स है, बॉलर्स के जस्ट बैक साइड वाली जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके कॉन्ट्रेक्शन से बॉलर्स जो नीचे आता है, और ये जो कॉन्ट्रेक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप बाबा रामदेव वाला आसन करके भी खाना खाओगे, माने उल्टे होके, माने सर नीचे पैर ऊपर आप खाना खाओगे, तब भी खाना आपका पेट में ही जाएगा, मुँह में नहीं रहेगा, ठीक है ना। कई सोचो कि नहीं नहीं ये इतना स्ट्रांग नहीं, अगर ये इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप उल्टे होके बाबा रामदेव के आसन से खाना खाओगे तो फूड जो है, मैं दिखाता हूँ उल्टा कैसे, ऐसे मान लो, तो ये रहा फूड, जब उल्टे होकर खाओगे, दिस इज कॉल्ड बाबा रामदेव आसन, तो यहाँ पे जब ये फूड ऊपर जाएगा तो आप सोचो कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी करी खाना नीचे आ, माउथ में माउथ से करी खाने के ऊपर मत भेज, और ग्रेविटी, और हम कह रहे नहीं हम भेजेंगे, माने ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर सकते हो, सोचो कितनी स्ट्रांग कॉन्ट्रेक्शन होगी, कितनी स्ट्रांग है, तो इस बात को याद रखें कि हाँ पेरिस्टाल्सिस एक बहुत ही स्ट्रांग कॉन्ट्रेक्शन जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी भी वर्क कर सकती है, विच इज़ वेरी एसेंशियल। अच्छा नहीं तो फिर पता है ना, अगर मान लो उल्टे होते, खाना खाया मुंह में भर गया, पेट में जा ही नहीं रहा, तो वो चीज़ थोड़ा सा अजीब लगती। अच्छा आप सुनो, खाना यहाँ पर आए, अब फूड आके यहाँ पर स्टमक में भर गया, ठीक है, अगर ऐसी है मतलब यहाँ पे कोई गेट वेट नहीं है और ऐसी फूड आके अंदर जमा होता रहे, तो सोचो कैसा रहेगा कि हम किसी दोस्त की पार्टी में गए हैं, देखो अपने को शौक होता ना हम सब लोगों को, भाई फ्री मिला तो क्या, हम इंडियंस फ्री मिला तो क्या छोड़ दें, हम तो सब लपेट देंगे, तो किसी दोस्त ने पार्टी देनी है तो भैया हम क्या करेंगे, उसको पूरा कंगाल तो करना ही होता है, तो अगर मान के चलो कि हमारे यहाँ पे कोई मतलब स्टमक और इस वजह से कोई गैप नहीं, कोई गेट नहीं है, कुछ नहीं है, रास्ता खाली है, तो आप तो भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओ, अंदर कुछ भरेगा नहीं, कैसे नहीं भरेगा, आप जो भरोगे खाना ऐसे निकलता जाएगा, माने आपका इनपुट आउटपुट दोनों चलता रहेगा, भाई साहब बेचारा कंगाल हो जाएगा। तो इसीलिए ना एक बहुत अच्छा सिस्टम आपके बॉडी ने करा हुआ है कि ऐसा नहीं है कोई भी खाना आएगा मान देगा स्टमक में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी फूड ईसोफेगस स्टमक में ऐसा ही नहीं आता। कैसे आता है देखो, इस ईसोफेगस के और स्टमक के बीच का जो एरिया ना, यहाँ पर एक रिंग टाइप में, एक रबर टाइप में ना एक मसल की बनी हुई लेयर होती है, मसल की, ठीक। सोचो जैसे आपने आपने किसी के ऊपर रबड़ बैंड लगाते हैं, तो रबड़ बैंड उसको अंदर दबाता है ना, रबड़ बैंड ऐसे खींचता है, अब रबड़ बैंड अंदर खींचेगा तो वो चीज़ छोटी हो जाएगी, हम क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्फिंक्टर, दिस इज नॉट स्फिंक्टर, ये मतलब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है, देखो स्टमक के लिए टर्म आता है गैस्ट्रो, तो दिस स्फिंक्टर इज नॉन एज गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, जिससे गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, ये एक तरह की मस्कुलर लेयर है जो कि ईसोफेगस के चारों तरफ होती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है इसके कॉन्ट्रैक्शन से ईसोफेगस बंद हो जाता है, और इसके बंद होने से क्या होता है, जो फूड अब अंदर चला गया, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो, जो फूड अंदर चला गया, अब अगर मान लो गेट नहीं होता, मतलब सिंपल ऐसी ओपन है, आपने जितना चाहे भर लिया, घर पे गए गलती से उल्टा हो गए सारा बाहर आ गया, तो यहाँ पर ये चीज़ ना हो इसलिए क्या हो गया, ये स्फिंक्टर डेवलप हुए, स्फिंक्टर इसको बंद कर देंगे, बंद करने जो खाना अंदर गया है वो फूड कभी बैक फ्लो नहीं मार सकता। अच्छा फिर वही सवाल आएगा कुछ का कि जी कई बार तो ऐसा होता है कि हमने घर पे खाया था, बाहर जाके हमने ब्रेड पकौड़े खा लिए थे या बर्गर खा लिए थे, घर पे आके पता लग गया बर्गर खा के आया कैसे खा गया, भाई मुँह से निकल गया किसी गिर गया उल्टी होकर, जो भी है मतलब उल्टी होगी बाहर निकल गया सारा कुछ, तो कैसे हुआ। देखिए कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, जब स्टमक में ज़्यादा प्रेशर होता है तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये ओपनिंग खुल जाया करती है, कब जब स्टमक ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता तब ऐसा काम होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो वो केस थोड़ा सा अलग है। अच्छा यहाँ पर क्या है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, जो कि उसका काम है ये करना कि भाई जो खाना स्टमक मतलब ईसोफेगस से आ गया है उसको स्टमक में जाने देना, और स्टमक का खाना गलती से भी ईसोफेगस में ना जाए, माने फूड का बैकफ्लो ना हो, इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं। अब जरा स्टमक को देखिएगा, स्टमक के भी ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, मतलब एक ही चीज़ है हमने पार्ट बहुत सारे बना लिए, पूछेंगे जी ऐसा काहे क्यों बना लिया, पहली चीज़ स्टमक जानते हो जे शेप होता है,
ठीक है, या सी शेप आप कह लीजिए, और बड़ा गंदा बनाया मैंने। अब मैंने शायद ठीक ठाक बताया होगा, तो यहां पे देखिए, ये है स्टमक के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, इसको बोलते हैं मेन बॉडी ऑफ स्टमक, ठीक है। दिस इज फंडस एंड दिस इज कार्डियक रीजन एंड दिस इज पाइलोरिक। दिस लास्ट रीजन ऑफ स्टमक इज नॉन एज पाइलोरिक। तो हम देख रहे हैं कि स्टमक के चार पार्ट हैं, फंडस, कार्डियक एंड देन बॉडी एंड पाइलोरिक। पाइलोरिक सबसे लास्ट का हिस्सा हो गया। अब ये कार्डियक क्यों भाई, ये गाना सुना है, नजर के सामने जिगर के पास, वो गाना इसके लिए। कैसे कार्डियक हमें नजर के सामने है लेकिन किसके पास है, दिल के पास, यहाँ जिगर नहीं है, दिल, जिगर भी है, जिगर लेफ्ट में आएगा। तो क्योंकि इस रीजन के जस्ट पास हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक रीजन, ठीक है। और फंडस रीजन जो ऊपर उठा हुआ है, जो कि गैस बनते पेट में, सारी फंडस एरिया जाती है, सारी सारी जो ना जाती है। तो ये स्टमक हो गया, जिसके चार डिफरेंट पार्ट हो गया। तो हमने ये चार पार्ट क्यों बनाया है कि भाई क्या शौक है, मैंने एक वर्ड था याद कर लेता, जरूरी चार वर्ड लिखवा देना। देखो ऐसा होता है भाई, तुम्हारे मोहल्ले में ना ऐसा होगा, जहाँ भी तुम रहते होगे वहाँ ना पर्टिकुलर बहुत सारे, जैसे मान लो तुम लोग कोई रहता है यूपी में रहता है, लेट्स सपोज, अब यूपी में बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे क्या आते हैं, स्टेट, शहर आते हैं। अब हर शहर में बहुत सारे जोन आते हैं, और हर जोन में अलग अलग फिर जानते हो ब्लॉक्स वगैरह सब आया करते हैं। तो अगर हम मान लो हमने किसी का कोई भी जगह, हमने वहाँ पे कोई शहर का नाम नहीं देना, कोई ब्लॉक नाम नहीं, हमने सिर्फ उसको एक, मान लीजिए हमने शहर बोल दिया, दिल्ली है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने सिर्फ बोला दिल्ली में, अब क्या मुझे ढूंढ लोगे मेरी लोकेशन कहाँ पर एग्जैक्टली? तो जब मैं दिल्ली का बताऊंगा कि दिल्ली के इस जोन में, इस एरिया में, इस सेक्टर में, इस ब्लॉक में, तो आप पता, आप बिल्कुल मेरी जो लोकेशन को ट्रेस कर सकते हो। इसका मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के इस जोन में, इसका मतलब दिल्ली के इतने जोन बनाए गए होंगे ना, मैं इस जोन के इस एरिया, मैंने उस जोन के अंदर इतने एरिया बनाए गए होंगे। तो कहने का मतलब क्या, जितने ज्यादा हम किसी भी चीज को जितने ज्यादा डिविजन कर सकते हैं प्लेसेस की, उतना बेस्ट है, ताकि हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके। अब सोचो ना, किसी को स्टमक में दिक्कत हो, लाइक सपोज कि लोअर बॉडी रीजन पे उसको कुछ दिक्कत हो, ट्यूमर हो, कुछ भी हो, और हमने मान लो एक दुनिया माने जहाँ पर हमने स्टमक का सिर्फ स्टमक बोला, हमने वहाँ पे इसके चार नाम रखे नहीं है, और वो जो पर्सन है उसको दिक्कत है, और डॉक्टर ने पता करा, अच्छा इसकी दिक्कत यहाँ पर है, ठीक है, पता कर लिया कि हाँ इसके स्टमक में ये लोकेशन है। अब वो क्या बोलेगा, स्टमक में दिक्कत है, क्या बोलेगा, स्टमक में। अब अगर उस केस में हमने इसके चार नाम नहीं दिए, तो डॉक्टर तो यही बोलेगा ना कि स्टमक में दिक्कत है। अब मान लो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को फोन करके बोलना हो कि भाई बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ इसके दिक्कत है, तो एक डॉक्टर दूसरे दिक्कत तो क्या बोलेगा कि भाई साहब इसके जो है ना पेट में दिक्कत है। अब पेट में कहाँ वो किसे पता, लेकिन अगर वो ये बोल डॉक्टर कि इसके इसके बॉडी वाले जो बॉडी है उसकी बॉडी का भी लोअर रीजन में इसका फोन, तो समझ जाए डॉक्टर कि हाँ वो इस एरिया की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी भी चीज़ के 10 नाम रखते हैं अंदर उसके, तो हमें फायदा मिलता है भाई, ट्रीटमेंट फायदा मिलता है। इसीलिए कई बार सोचते हैं ना कि पता नहीं बॉडी में इतने पार्ट क्यों बनाए, इतने एक ही नाम रख देते, तो वो सिर्फ पार्ट्स इसलिए बनाए ताकि हमारे उसको एप्लीकेशन में, उसको ट्रीट करने में हमारी ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने इतने नाम रख दिए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा लेक्चर होगा, कोई बात नहीं, बट काम की चीज़ थी। तो ये हो गया स्टमक। अब स्टमक के अंदर जो बॉडी, और यहाँ पर आपको मिलते थे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, कौन मिलते हैं, दीज आर नॉट विलाई, ठीक है, मैं बना रहा, बट दीज आर लाइक सपोज गैस्ट्रिक ग्लैंड, दीज आर गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक के पास पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन थ्री टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट इज म्यूकस नेक सेल, एंड सेकेंड वन इज ऑक्सेंटिक सेल और पैराइटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल और पैराइटल सेल, एंड थर्ड वन विल बी नॉन एज पैप्टिक, और यू कैन से चीफ सेल, चीफ नहीं है, चीफ है, पैप्टिक, और यू कैन से चीफ सेल। इनके फंक्शन बताऊं, ब्लू मार्कर लेने दो, बताता हूं मैं आपको। देखो म्यूकस नेक सेल ये सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक, ऑक्सेंटिक सेल ये रिलीज करता है HCl, और ये करता है एक एंजाइम पैप्सिनोजन। आप जानते हो पैप्सी वर्ड, वो यहीं से आई है, पैप्सिनोजन से आई है। तो ये तीन चीज़ें हैं, माने गैस्ट्रिक ग्लैंड ये तीन तरह की चीज़ें सिक्रीट करेगा, म्यूकस,
HCL पेप्सिनोजन। आप जानते हो ये जो पेप्सिनोजन है, दिस एंजाइम इज इनएक्टिव। सो दिस एंजाइम इज इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों है? अच्छा पहले सुन लो, ये एंजाइम है क्या? ये एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म, माने स्टमक एंजाइम सिक्रीट करता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। काहे? अरे अगर एक्टिव फॉर्म में कर दिया ना तो पता है क्या होगा, आपके स्टोमक की जितने भी सेल्स है सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी होती है, तो आपने पढ़ा ही होगा। और अगर ये एक्टिव फॉर्म में हुआ, पता है इसका मतलब क्या होगा, स्टमक ने जैसी सिक्रीट करा ये एंजाइम, और ये एक्टिव फॉर्म में हुआ शुरू से ही, और खाना इसको नहीं मिला तो आप ही की स्टमक की सारी सेल्स खा जाएगा ये, इसीलिए इसको करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। भाई ये वो शेर है जिसे हमेशा जंजीर बांध के रखो, जब लगे जरूरत है तब इसे जंजीर खोलो, अदरवाइज अगर जंजीर से खोल दिया तो तुम्हें खा जाएगा ये। तो ये चीज़ है। वैसे बताऊँ तो ऐसा होता है कि ये जो HCL है ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, माने HCL एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, एंड पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। बट एक चीज़ रखना, मैंने क्या बोला कि इस एंजाइम के कन्वर्जन के लिए चाहिए एसिड, माने लो पीएच चाहिए होता है इस एसिड के, इस एंजाइम के कन्वर्जन के लिए, इसीलिए HCL आपके स्टमक में मिलता है ताकि इस एंजाइम का कन्वर्जन कराया जा सके। लोग खाना नहीं खाते ना तब ये एंजाइम सेक्रेट नहीं होता, शांत बैठा होता है, और अगर हो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपने खाना खा लिया ना फिर ये भर भर के रिलीज होगा। खाना भी कौन सा, प्रोटीन भाई, आप प्रोटीन वाली डाइट बात कर बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कुछ भी खा लोगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक म्यूकस भाई, पेट में तुम चलता फिरता तेजाब लेके घूम रहे हो, तो स्टमक की वॉल को बचाना है ना, तो स्टमक की वॉल अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, अंदर कर बना लेती है म्यूकस की लेयर। ये म्यूकस की लेयर स्टमक को बचाता है उसी के एसिड से। तो वरना कई बार होता है, जैसे मान लो कि कहीं पे म्यूकस की लेयर पतली हो जाए, कम हो जाए, तो वहाँ पे ना घाव, उसको ना बोलते ना गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में घाव हो गया, तो वो चीज़ हो जाती है। तो खैर इलाज उसका डॉक्टर वगैरह कर दिया करते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि म्यूकस का काम जो होता है ना, ये जो स्टमक की वॉल है उसे प्रिवेंट करता है एसिड के अटैक से। एंड ऑक्सेंटी सेल का फंक्शन मालूम पड़ गया, और पैप्टिक और चीफ सेल का मालूम पड़ गया, ये प्रोटीन को करता जाए, इसका एंजाइम होता है इनएक्टिव फॉर्म में। एग्जाम में कभी क्वेश्चन फेंक के हमारे कि क्यों होता है इनएक्टिव फॉर्म में, बोलना अगर एक्टिव फॉर्म में हुआ और खाना नहीं हुआ पेट में तो आप ही के स्टमक को पूरा खा जाएगा ये, इसीलिए रखते हैं इसे इनएक्टिव फॉर्म में। इसकी बात नहीं कर, बॉडी में कोई भी प्रोटीन वाला एंजाइम होगा वो सब इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि उनसे बहुत संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी खा जाएगा अगर उसे नहीं मिला वो फूड या सब्स्ट्रेट, तो हम कहते हैं बेटा शांत रहे, इनएक्टिव फॉर्म, जरूरत रहेगी तो को बुला लेंगे, लेकिन उससे पहले मत आइयो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा स्टमक हो गया, और इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात हो गई। और बता दूं एक बात और, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक और स्टमक के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका काम क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड वापसी ना जाए इसमें, भाई जरूरी है ना। अब मान लो यहीं पे थोड़ी से, अगर यहीं पे से एक से काम चलेगा भाई, हर जगह चाहिए स्फिंक्टर। ऐसा ना हो कि जी यहाँ पे पूरा हो गया डाइजेशन, बाबा रामदेव वाला आसन करा फिर से पहुंच गया, तो वो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पेट पतला, खाना घूम किस रहे, इन्हीं दो में घूम रहा, नीचे तो आ नहीं रहा फूड, अब तो सुबह मॉर्निंग परफॉर्मेंस करने गया, पता लगा भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो चीज़ थोड़ा देखना पड़ता है। तो गाइज ये था आज का आपका टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक आज का पसंद आया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें बिना बालाजी, टाटा बाय बाय, शब्बक है, लव यू ऑल।